हमसे पूछिए कि क्या हमने अपनी बीवी से इजाजत ली है कि उसको 3 दिन के लिए
बोलिए। अगर हमारी दीदी मजलिस पढ़ती होती, अश्का पढ़ती होती और इसी भावनगर से यहीं से जो है वो वायदा होता, क्या वह हमसे बगैर मुझे आ सकती थी? ये कौन सा इस्लाम है जो मर्द चाहे जहां घूमता फिरे, औरत बेचारी मजलिस के लिए बगैर इजाजत के नहीं जा सकती है? और भी इस पर सबसे बड़ी चीज है कि देखिए, अगर आप गौर करें तो हमारे साथ जो प्रॉब्लम है ना, कि जैसे ही हमने कहा औरत, तो औरत का मतलब क्या समझे हम? दीन। जैसे ही हमने कहा मर्द, तो मर्द का मतलब हम क्या समझे? शौहर। क्या औरत सिर्फ बीवी होती है? क्या मर्द सिर्फ शौहर होता है? तो औरत के तीन दौर होते हैं। सबसे पहले ये बेटी होती है, है? उसके बाद ये बीवी बनती है, और अगर मसलहते इलाही शामिल हाल हो जाए तो फिर यही औरत माँ बनती है। इधर मर्द का भी हाल यही है, ये कभी बेटा होता है, फिर आगे बढ़ के शौहर होता है, फिर आगे बढ़ के बाप बनता है। तो अगर हमको ये देखना है कि इस्लाम पुरुष प्रधान समाज बना रहा है नहीं बना रहा है, इस्लाम में मर्दों की क्या हैसियत है, औरतों की क्या हैसियत है, तो एक तो ये है कि सिर्फ हम मियां बीवी के कानून पर नहीं चलते, फिर हमको तीनों दौर को देखना पड़ेगा कि बेटी के मुकाबले में बेटा क्या है, शौहर के मुकाबले में जौजा क्या है, बाप के मुकाबले में माँ क्या है। जब ये तीनों दौर पर आप गुफ्तगू करेंगे तब एक मुकम्मल नजरिया निकल के सामने आएगा कि इस्लाम में मर्द की हैसियत क्या है, इस्लाम में औरत की हैसियत। जब ये दिन गुजरते अब आइए, जब पहला दौर होता है, यही औरत जब बेटी होती है, लौकी होती है, इस्लाम ने बेटी को क्या अहमियत दी है बेटे के मुकाबले में? तो आप इस्लाम की बात बात पे करेंगे, पहले हमको यह देखना होगा कि इस्लाम किस माहौल में आया, और वो जो माहौल जहां से इस्लाम स्टार्ट हुआ है वो दौर कैसा था, और उस माहौल में बेटियों की हैसियत क्या थी, और किस बस्ती से उठा के इस्लाम ने बेटी को किस बुलंदी तक पहुंचाया। तो वहां जाना पड़ेगा, और जब आप वहां जाएंगे, जब आप वहां जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यही वो अरब था जहां बेटियों का वजूद नन समझा जाता था, जहां बेटियों का वजूद आर समझा जाता था, जहां बेटियों का वजूद जिल्लत का सबक समझा जाता था। कुरान कहता वजद المولود तो सोयलत बेअय दम में कुतलत, के जिंदा दरगोर बेटियों से लड़कियों से कल को पूछा जाएगा कि तुमको किस जुर्म में मारा गया। कुरान कहता है उस वक्त का अरबों का हाल ये था कि वहीदा बुशरा अहदहुम बिलउंसा दल वजहु मुसवदन वहु कज़ीब। जब इनको बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती थी तो इनका चेहरा सियाह पड़ जाता, ये गवाह रहा मेरे लड़कों, गांव छोड़ के भाग जाते थे अपनी बस्ती। अगर बेटे की खबर मिलती थी तब तो बाजे गाजे के साथ धूमधाम से आते थे, बेटा हुआ है, और अगर बेटी की पैदाइश की खबर दी जाती थी तो फिर उस बेटी को जिंदा रहने का हक नहीं होता। और सुना दे आपको, इन अरबों का मिजाज यह था कि अगर रह भी गई, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, तो पोते तो हमारे हैं, नवासे हमारे नहीं है। मैं आपको अरबों का मकबूला सुनाऊं, उस जमाने के अरब कहते थे नवासों के लिए बनूना बनू अबना है ना बनूना, हमारे बेटों के बेटे तो हमारे बेटे हैं, इसलिए हमारे बेटे का बेटा बनू हुन बनू अबना है रिजाल अबा, और इन बेटियों की औलाद वो तो खैरों की औलाद है। यदि बात सिर्फ बेटी तक नहीं थी, बेटी की औलाद को भी आदमी नवासों को भी अपनी औलाद समझने को तैयार नहीं था, ये वो माहौल था। आपको एक दास्तान सुनाता हूं, सलवा के मान बजवा, ये माहौल था अरबों का जहां
मौजूद नहीं समझा जाता था, आर समझा जाता था, जिल्लत का सबब समझा जाता था, बेटियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। फिर पैगंबर आए, पैगंबर ने इस्लाम पेश किया, रसूलुल्लाह का किरदार, रसूलुल्लाह का अखलाक, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, जैसे कि कुरान ने कहा है, लो कुंत फज़ा ग़लीज़ अल-क़ल्ब लन्फ़ज़ू मिन हौलिक। पैगंबर अगर आप तुम मिजाज होते ये पब्लिक एक आपके पास न कहते, तो ये जो लोग हुए वो पैगंबर के किरदार की बुनियाद पर, रसूलुल्लाह के अखलाक की बुनियाद पर मुसलमान, अच्छे खासे मुसलमान। तो उन्हीं मुसलमानों में कुछ ऐसे भी थे जो जहालत के दौर में बेटियां बोलिए दफना चुके थे, कोई दो कोई चार कोई छह, उसमें से एक आया। अभी इसी से मिलती जुलती एक और दास्तान पढ़ी थी मैंने, मगर पूरी जहन में तो पुरानी वाली सुना देता हूं, सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है लास्ट। एक शख्स आता कहता, या रसूल अल्लाह मैंने बड़ा गुनाह किया है, माफ हो जाऊंगा? फरमाया बिल्कुल। इसलिए कुरान कहता है, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا। जिन लोगों ने गुनाह की वजह से अपने नफ्स पर जुल्म किया, उनसे कहिए मायूस ना हो, अल्लाह सब माफ कर देगा, और ये उसी के जो है वो रहमत है। बिल्कुल कसम, मेरा गुनाह बहुत है। फरमाया तेरा गुनाह ज्यादा है या आसमान के सितारे। अरे या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह बहुत है। हजरत ने फरमाया तेरा गुनाह ज्यादा है या रेत के जर्रा को गिन सकता है, बालू के टुकड़ों को? अरे या रसूल अल्लाह मगर मेरा गुनाह बहुत है। हजरत ने फरमाया ये बता कि तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की रहमत। अब उसके आगे तो बोलने की हिम्मत है नहीं किसी की। और एक जुमला में बहुत अपनी मरीजों में कहता हूं, आपने भी सुना होगा, शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने हमको आपको ऐसे घर में पैदा कर दिया कि अहले बैत मिल गए, किसी मजहब में किसी मसलक में अल्लाह से बात करने का वो हुनर और सलीका किसी मजहब में नहीं है जो अहले बैत के दुफाई में हमारे। जहाँ दुआ की दुआ है, तरबियत की तरबियत है, फलसफे का फलसफा है, उसी में एक दुआ है, मौला की दुआ है, अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या मन सबत रहमतुहु गज़ब, अरे वो अल्लाह जिसकी रहमत उसके गजब के आगे आगे चलो। सुभान अल्लाह, तो खुदा की रहमत से तो बढ़कर कुछ नहीं है, तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह की रहमत। अच्छा बोल, ये क्या किया तुमने ऐसा कि तुम इस अदर मायूस हो गया, बोलो गुना क्या है? कहता या रसूलल्लाह मैं एक सफर पर गया, लंबा सफर था, तीन चार साल पांच साल तीन साल पर, हम तीन साल से ऊपर रहा है, वापस आया जब तीन चार बरस के बाद, तो मैंने देखा घर में मेरे एक बेटी के दल की बच्ची, तो पहले तो मैंने कोई बहुत तवज्जो नहीं की, तीन चार साल के बाद तो आई है, तो दिमाग भी नहीं आया कि मेरी अपनी बच्ची हो सकती है, होगी किसी की चली जाएगी, रात हो गई और वो बच्ची जब नहीं गई तो मैंने ये कौन है? तो मेरी बीवी ने कहा तुम्हें याद नहीं है जब तुम जा रहे थे सफर पर तो विलादत होने वाली? हाँ, ये वो अपनी बच्ची। कहता या रसूल अल्लाह माँ बेटी तो सो मगर मुझको नींद नहीं है, तेरी गैरत है मेरे घर की होने का, ये कितनी बड़ी जिद्दत की बात है, मेरे घर में लड़की मुझको नींद नहीं आई, आधी रात को मैंने बच्ची को माँ के पास से उठाया, लेके जगा आया बड़ा घोड़ा, बच्ची को जगाया, एक हाथ मैंने उसके सीने में रखा कि निकल के भागने न पाए, जिंदा ये कौन कर रहा है बाप, और दूसरे हाथ से उस पर मिट्टी डालता रहा, तो उसके नमूना में आई इस जहर जो आते हैं, बच्ची चीखती रही तड़पती रही, मुझको रहम नहीं आया,
और मैंने अपनी बेटी को अपने पाले दीगर को जिंदा दरबार कर दिया। अब रिवायत कहती है वो अपना किस्सा बयान कर रहा था और रहमतुल्लिल आलमीन की आंखों से आंसू का जिक्र, मसायब किसी का भी हो दिल अगर है साफ तो आदमी जो है वो हजरत की आंखों से आंसू जारी। रहमतुल्लिल आलमीन है, दिल में मैंने गुजारिश किया कि कुरान कहता है कि हजार गुना के बावजूद हमारे नबी के पास आ जाओ, अगर हमारे नबी कहिएगा तो हम माफ कर देंगे। यही नजर वो रहमतुल्लिल आलमीन जिसने कभी बददुआ नहीं की, पूरा फेंका गया, कांटे बिछाए गए, साहिर कहा गया, जादूगर कहा गया, लेकिन उसके बावजूद उल्टा उसकी अयादत को चले गए, उसको रहराज कर लाए। पैगंबर क्या घराने का कोई तसव्वुर ही नहीं है, लेकिन जब ये अपना किस्सा सुना रहा था, रिवायत कहती है हजरत की आंखों से आंसू जारी थे और अचानक पैगंबर ने फरमाया उठो यहां से, चले जाओ यहां से, ऐसा न हो कि तुझ पर अजाब नाजिल हो और बकिया लोगों को भी शामिल हो जाए जेल में। उसके बाद एक जुमला पैगंबर ने फरमाया, कहा तो उससे था लेकिन कयामत तक हम सब के लिए उसूल और कानून बन गया, फरमाया सुन, मन ला यरहम ला युरहम, जो दूसरों पर रहम नहीं करता अल्लाह भी उसके ऊपर रहम नहीं करता। ये वो दौर था कि जहां बेटी को नंग आर जिल्लत का सबक समझा जाता था, आपको सुना ना अपने हाथों से इन लोगों ने कितने लोगों को दफन किया, ऐसे माहौल में अल्लाह बस ये बताइए दुनिया में रसूलुल्लाह से ज्यादा कोई खुदा ने तभी है जिसको पैगंबर, जिस पैगंबर को अल्लाह ने अपना हबीब करार दिया है। खलील नहीं कहा, क्या फरमाया हबीब, खलील और हबीब में बड़ा डिफरेंस है, ये मौका नहीं उस पर जाने का। पैगंबर से ज्यादा कोई करीब है उस माहौल में जहां बेटियों को जिल्लत का सबक समझा जाए, ऐसा नहीं कि रसूलुल्लाह के बेटे नहीं थे, एक नहीं थे, कासिम, तैयब, ताहिर, अब्दुल्ला, मदीने में जना रहे इब्राहिम, ये पैगंबर के बेटे थे, लेकिन उस माहौल में जहां बेटियों को जलील समझा जाता था, दफन कर दिया जाता था, अल्लाह ने अपने नबी की नस्ल को बेटों से न चला के बेटी से चला के बताया है। इस्लाम में बेटा क्या है, इस्लाम में बेटी क्या है, बेटी और पैगंबर ने भी अपने अमल से साबित किया बेटी की हैसियत क्या है। कुल्लमा दखलत अलैह फातिमा قام إليها رسول الله جب کبھی پیغمبر کی بارگاہ میں شہزادی آتی تھی پیغمبر فاطمہ کے لیے ایک طرف خدا دوسری طرف پیغمبر کا عمل اب آئیے صاحب احکام میں صلوات باقری کا اس پر جلدی سے واپس صلوات اللہ محمد و علی बेटी 5 साल की हुई तो बेटा
बेटी 8 साल की हुई तो बेटा, बेटी का 9 साल मुकम्मल हुआ तो बेटा पैरा। अब साहब इत्तेफाक से देखो 25 शाबान की पैदाइश थी, 9 साल मुकम्मल हो गया सामने, रमजान मुबारक है। माँ ने बेटी को समझाना शुरू किया, आपको पता है आजकल रमजान महीने आ रहा है, बेटी को समझाना शुरू किया माँ ने, सो जाओ जल्दी सो जाओ, गर्मी के रोजे हैं, सुबह उठ करके थोड़ा पानी पी लेना, सही कर लेना। अब बेटा सोच रहा है कि चूंकि वो लड़की है इसलिए अम्मा उनको समझा रहे, मुझको शायद पापा समझा रहे। नतीजा ये हुआ कि साहब सो गए शहर में, सब ने उठ के सहरी बहरी कर ली, ये बेटा जो है वो सोते रह गए। अब सुबह जब यहाँ पूरे घर में आदमी रोजेदार हो, एक दो बगैर रोजे वाला उसकी हालत खराब हुई थी, वो फ्रिज में रखा है निकाल लेना, वो देखो वहां के ऊपर वो रखा है खा लेना, तो यार इससे अच्छा तो रोजे ही रह लेते। आप आए जो है वो बाप के पास, आपसे शिकायत है, तो क्या भैया काम्मा ने उसको जगाया, सहेली खिलाई, रोजा रखा, आपने नहीं कहा मुझसे, यार देखो मुझसे ये सब मतलब नहीं, ये सब तुम्हारी मार है, मेरा काम है कमा के पैसे घर ले जाना, बात खत्म, जाओ अपनी अम्मा से कहो क्या बात है। अम्मा के पास पहुंचे, आपसे शिकायत है क्या, आपने इसको जगाया मुझको नहीं जगाया, ए बेटा तुम अभी क्या हाथ, अभी तो बच्चे हो, गर्मी का रोजा है, अभी खेलो, तो क्या जवाब होगा बेटे का, साहब हम बच्चे हैं तो ये भी तो उसी एज की है जिसको आपने जगा के जबरदस्ती रोजा रखवाया, हमारी उम्र भी बड़ी है तो क्यों हमसे कह रही बच्चा, और क्यों इसको। माँ का जवाब क्या है, बेटा मैं क्या करूँ, तो जाके खुदा से पूछो जिस उम्र में अल्लाह बेटियों को अपनी बारगाह में इबादत के लिए बुलाता है, उस उम्र में हमको आपको बच्चा समझ के खेलने के लिए छोड़ा। आप बताइए इस्लाम में बेटे की हैसियत क्या है, बेटी की हैसियत। اللهم صل على محمد وآل محمد। घर में बेटा भी है और बेटी भी है, रिवायत से है कि आप घर खाली हाथ मिले कुछ लेके जाए, खास करके अगर कोई ईद मीद का दिन हो इमाम की विरादत तो लेके जाइए, ताकि पता चले कि आज छठे इमाम की विरादत है, आज आठवें इमाम की विरादत है। तो अब रिवायत के इधर दखल अहदुकुम सूक फश्तरा हदीयतन, अगर तुम में कोई बाजार जाए और बच्चों के लिए कुछ तोहफा खरीदे, घर में बेटा भी है, घर में बेटी भी है, किससे शुरू करोगे। नबी ने फरमाया फलियबदा बिलइनाम कब्ल अद्दुकूर, पहले बेटी के हाथ पे रखो तब बेटों के हाथ पे रखो। अब समझ में आ गया ना इस्लाम में बेटी की हैसियत क्या है, इस्लाम में बोलिए बेटे की हैसियत क्या। चलिए वो दीन वाला कल मुताबिक कल रहूंगा ना, इसी को थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। सलावत करो अल्लाह अब ये बेटी बनी हो गई, पढ़ाया लिखाया सब किया आपने, अब ये बेटी क्या हो गई, बड़ी हो गई। शादी की जिम्मेदारी किसकी है औलाद की, मेरा लड़का इंटर में पढ़ता, अभी पिछले साल इंटर किया, मैंने उसकी शादी कर, क्या नहीं पढ़ा क्या कर रहा था, मैंने रिवायत कही कि अगर माँ बाप औलाद का खर्च उठा सकते हैं तो ऐस सुन ऐस पासिबल शादी कीजिए। सलावत करके बाबा की जिम्मेदारी पे छोड़ेगा औलाद की, बोलिए शादी कर। तो अब शादी आसान काम तो है, अब यहां से जब आपकी बेटी बड़ी हो गई तो कुछ सवाल है जो हर शादी से पहले, चलिए ठीक करो, कुछ सवाल है जो हर शादी से पहले हर माँ बाप के सामने आते हैं। नंबर एक, कब करें। नंबर दो, किससे करें। नंबर तीन, अगर लड़के का बाप है कैसी है। नंबर चार, अगर लड़की का बाप है क्या करता है। ये मोटे मोटे सवाल आप है
जो आज हर बाप के सामने आता है कि अपने बच्चों की शादी में कब करे, किससे करे, कैसी है और क्या करता है। जहां तक मामला है कब करेगा, आपके पास सुन्नत और सीरत मौजूद है। रसूलुल्लाह की शादी कब हुई, एज क्या थी? पैगंबर की जब शादी हुई रसूलुल्लाह की तो एज क्या थी? है 25 साल। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की जब शादी हुई उनकी एज क्या थी? सेम 25 साल। तो इसका मतलब हमारे लिए जो है वो एक मेयारी एज मालूम है। रसूलुल्लाह की शादी 25 साल की एज में हुई है, अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की एज बोलिए 25 साल की एज में हुई है। लड़कों के लिए तो ये है, लड़कियों के लिए आपको रिवायात में या तारीख में कोई एज इस तरह की नहीं मिलेगी कि साहब इस पर होना चाहिए, बल्कि रिवायत के लिए जो मफहूम रिवायत है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके, जो रिवायात का मफहूम है। बल्कि बाज रिवायतों में तो यहां तक कहा गया है कि लड़की की मिसाल दरख्त पर जो है वो फल की है, अगर सही टाइम पर फल नहीं तोड़ा जाएगा तो सब जाए, इस तरह की रिवायतें। तो खुला से कोई एक रोयत नहीं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। ये हो गया पहला सवाल, कब करें? दो, किससे करें? ये मेन है सवाल। मेन चीज जो है वो क्या है? कुफ्र। पैगंबर की एक हदीस है हजरत सिद्दीक ताहिरा के लिए सलामुल्लाह अलैहा, लौला अलीयुन लमा कान कुफ्र लफातिमा आदम व मादू। अगर अली न होते तो फातिमा का कोई कुफो नहीं था। कुफो यानी जो, इस कुफो का क्या मतलब समझते हैं? खानदान, हड्डी, खून। पैगंबर क्या फरमाना चाहते हैं? यानी अगर अली न होते तो और किसी की हड्डी ठीक नहीं थी, तो आप शुरू में तो अच्छा लगेगा, लेकिन क्या जो है बनी हाशिम का खानदान माशाल्लाह इतना गिरा हुआ था कि किसी की हड्डी ठीक नहीं थी। अली क्या रहा, तफसील में जाएंगे तो लंबा हो जाएगा। खुलासा ये कि वहां जो पैगंबर ने कुफो देखा है वो अली के मुकाबले में, फातिमा के मुकाबले में अली का, वो तफसील इंशाल्लाह कभी किसी मौके पर रखी जाएगी। वो है केल में फातिमा। अगर अली न होते तो जिस मंजिले कमाल पर फातिमा का इल्म है कोई दुनिया में अली के अलावा है ही नहीं जो फातिमा के दौर में। तो ये इल्मी बराबरी भी हमको देखना चाहिए। मैं हड्डी देखने का मुखालिफ नहीं हूं, मैं खानदान देखने का मुखालिफ नहीं, खानदान देखना चाहिए। और अगर ऐसा न होता तो कभी अमीरुल मोमिनीन जैसा इंसान अकील से ये न कहते कि कोई बहादुर खड़ा का देखा, तो उससे इनकार भी नहीं है। लेकिन आप इसी को सब कुछ दे दीजिए कि ईमान न देखा जाए, ये बात सही है। सुभान अल्लाह। सलावा मेन चीज का हड्डी हो सकती है, बल्कि रिवायत यहां तक कहती है और ये हदीस हमारे यहां तो आई है, अहले सुन्नत के हदीस। अब ऐसे तुमने कितनी किताब पढ़ी है अहले सुन्नत की? नहीं पढ़ी एक। अब तो रेडियो वेडियो खत्म हो गया ना, जिस जमाने में रेडियो चलता था तो मक्के से रेडियो आता था, चलता था रात को 8 बजे, तो एक घंटे दो घंटे का प्रोग्राम होता था निदा उल इस्लाम में मक्के का लोका, वो पूरा रेडियो था निदा उल इस्लाम, वो अक्सर हम रात को सुनते थे। एक दिन जो है वो उसमें भी जो स्पीच हो रही थी उन्होंने ये रिवायत ना की थी,
समझ आया कि अच्छा इसका मतलब ये कि हमारे यानी अहले सुन्नत की आदि ये रवायत है क्या पैगंबर ने फरमाया कौन बहुत गजब की रवायत है सुन इयाकुम व खदराउद्दमन परहेज करो बचो भूर की घास से अब आप मेरी मदद कीजिए मैं इनको कैसे समझाऊं भूर की घास भूर को क्या कहेंगे यार हाँ सही बहुत अच्छा सलाह इसको सुन लिया क्या सुन लिया परहेज करो कचरे पर उगने वाली घास से खदराउद्दमन उस हरियाली से घास क्या है कचरे की हरियाली क्या है फरमाया वो खूबसूरत औरत जो घरक खराने की मेहंदी कचरे की मजहब देखना कितना दीन है वो सबसे अरेबिया को और क्यों देखा जाना चाहिए जी अगर मैं मसाइल पे जा रहा हूँ तो क्या मुझे धोखे से सुनाओ लेकिन पहले मैं आपको सुनाता हूँ पैगंबर सलवा पढ़िए मोहम्मद आपने नाम सुना होगा अपने यहाँ किताब का काफी काफी की तीन किस्से किसमें पढ़ाने के चक्कर में पढ़ लिया मक्के से हिजरत हुई सुनिया तीन देखना चाहिए मक्के से हिजरत हुई वहां के मोमिनीन मुसलमान आ गए मदीने मदीने में प्रॉपर्टी थी किसी के पास मदीने में जमीन थी किसी के पास ये अंसार ने जो है वो अपना दिल बड़ा किया कोई किसी को ले गया कोई किसी को ले गया कोई किसी को ले गया जिसका कुछ नहीं हुआ वो लोग मस्जिद में आ गए तो मस्जिद बनाई खुदा हुआ मस्जिद रहने जगह निकालिए अब कहा जाइए पब्लिक तो वो एक छप्पर था कोई वहां सबको इकट्ठा कर दिया गया जिनका नाम पड़ा क्या असहाबे सुफा तो असहाबे सुफा क्या है बेचारे हिजरत करके आए हैं कोई अफ्रीका का है कोई कहीं का है कोई कहीं का है वहां है मदीने वाले अंसार बेचारे कुछ ले जाकर उन्होंने दे दिया सदके की खैरात की मोहब्बत की खजूरे खाका एक दिन रसूलुल्लाह जब सुन लिया एक दिन रसूलुल्लाह जा रहे वही एक अफरीदी थे हबशी सहाबियों में नाम था जिनका जनाबे जुवैबर क्या नाम था जुवैबर पता नहीं क्या रसूलुल्लाह के समझ में आया हजरत ने कहा एक जुवैबर जनाब जी या रसूलुल्लाह ये भाई शादी वादी कर दोगे नहीं करोगे और शादी एक तो शक्ल नहीं दूसरे जगह नहीं कोई कारोबार नहीं कुछ तो कौन लड़की देगा जो आज होता है पैगंबर ने कहा फला के पास चले जाओ लड़की का नाम है जल्फा उसके बाप का नाम भूल गया जल्फा के बाप के पास चले जाओ और उससे जाके कह दो कि मैंने भेजा है अपनी बेटी जल्फा की शादी करो न दौलत है न सूरत है न शक्ल है कुछ और पैगंबर के बेच दिया वो जो जल्फा के बाप थे मदीने के बड़े लोगों में वहां 20 लोग बैठे हुए हैं पहला इतने के पहुंच गया सलाम अलैकुम भेजा रसूलुल्लाह ने कहा कि अपनी बेटी की शादी कर दो मुझसे वीडियो तो नहीं बनता था ना अपनी अकल से हम आप बोल सकते कैसे देगा जी साहब ही बोलते
रसगुल्ला की बात पर इनकार भी नहीं हो सकता। जल्दी दरमियान के कठिन आप चाहिए, मैं हजरत से बात करूंगा, डायरेक्ट इनकार नहीं किया, लेकिन बाप से ज्यादा लड़की को मेरा, वो बगल ही में कोई कमरा था या क्या था, वो लड़की सुन रही थी जल्फा कि इस तरह से पैगंबर का पैगाम आया है और मेरे बाप ने कहा जाओ उसका दरवाजा पी जा। बाबा आए क्या बात, कही काला क्यों आया था, अवश्य कब तुम्हारा रिश्ता लेके आया था, कह तो कब बेटा तुम तो जानती हो कि हम लोग जो है वो अरब है, अब ऐसे बंधु जो है भविष्य में आप कैसे कर सकते हो, कब वो ठीक है आप करें या ना करें कोई अलग बात है, लेकिन वो खुद से नहीं आया था। ये ईमान ने किया, वो लड़की कहती है कि ठीक है आप मत कीजिए, मैं कब कह रहा हूं कीजिए, बट वो खुद नहीं आया था, पैगंबर ने भेजा था उसको वापस करना, जस्ट लाइक रसूलुल्लाह को वापस करना। ये बात पूरी है, आपको जो बात करनी है उसको रोक के जाइए बात कीजिए, न कि उसको आप वापस कर दीजिए। मेरी मोमिन आदमी साहब है जो इधर जाओ लौट आओ लौट वहां वापस आ गए, बैठो मैं आता हूं वापस ले, या रसूलुल्लाह आपने भेजा है ड्राइवर को, शादी के लिए कहा, क्या रसूलुल्लाह आप तो जानते हैं कि हम लोग आपस में करते हैं यार वर्ग में और ये हमारा, तो भाई जो वो तो भी हजरत ने फरमाया और इस्लाम का है कि नहीं आया है, इसी ऊंच नीच को खत्म करने के लिए तो आया है। तो आप क्या फरमाते हैं, तो मैंने तो भेजे करो, मैं कर दूंगा, लड़का पसंद है नहीं है उसके पास कुछ करके लीजिए, ईमान का जिन तैयार किया कठी कर आए वापस। हाँ भाई जो है बस अब कुछ बात तो हो जाए, अम्मा अब्बा तो आए थे डायरेक्ट बात हो रही, तो साहब महल क्या होगा, महल देने लायक है आप, कल इस पर बात होगी इंशाल्लाह, महल देने के लायक है आप, और कहीं साहब मदीने वालों के सदमे में जिंदगी गुजर रही है, ये साफ रहिए भेजने से कुछ मिलता मिलता नहीं, जब ग्रास खुलता है तो बेइज्जती अलग होती है, साफ है मेरे के लिए होगा, मदीने वालों के सदमे खजूरें खाने में रहे मैं कहा पता चलो महल मैं दे दूंगा लड़की के बाप को, अच्छा कान ले जाइएगा तुम मकान मकान है बाप ने अपनी बेटी का घर बनवाया, उस जमाने के एतबार से जो कुछ होना चाहिए वेल फर्निश्ड मकान मकान बना के अपनी जेब से महर दे के लड़की रुख सक गया। अब जरा मिंबर भी है और बहुत को फिर भी हो भी नहीं सकता, मगर रिवायत है इसको सुनाना भी जरूरी है, तो आप इशारों में सुनिए। सुबह हुई चीनी गोलियां शुरू हुई और तो सवाल कैसा था क्या था क्या है खा रो क्या लड़की से पूछा बच्चो तो उससे तो मतलब ही नहीं, वो आए कमरे में अल्लाह अल्लाह रात भर नमाजें पढ़ते रहे अच्छा, और सुबह दिन भर रोजा, इसका मतलब यार जिसको तो जरूरत ही नहीं है इस चीज की मिलावट है, मैं अपना शादी कर रहा तो औरतों ने कहा रुको एक दिन और देख लिया जाए, दूसरा दिन जो इसी नमाज रोजे में गुजर गया, तब बाप तक बात पहुंची कहां फंसा दिया तुमने हमारी लड़की, उन्होंने कहा भाई एक दिन तुम लोग चुप ही जाओ एक दिन और देख लो, तीसरा दिन भी इसी गुजर गया। अब वो जल्फा का बाप आया रसूलुल्लाह के पास, बस तमाम कहने लगा यार रसूलुल्लाह आपने किससे शादी करवा दी, उस
बिस्तर तो औरत की जरूरत ही नहीं है क्या? जी हाँ, बराबर ही कहा है जो अलवर साहब तो क्या शिकायत सुन रहा कल रसोल्ला सही बात है क्यों ऐसा है क्या किसी और खास वजह से नहीं कजन उस कमरे में गया तो मैंने इतना बेहतरीन मकान देखा और ऐसी खूबसूरत लड़की देखी मुझको अपना गुजश्ता दौर याद आया कि जब मैं किसी का गुलाम था बेड़ियों में झगड़ा हुआ था ये सारी नेमत मुझको किस बुनियाद पर मिली कलमा पढ़ने की बुनियाद पर इस्लाम की बुनियाद पर खुदा की बुनियाद पर तो मैंने सोचा कि बीवी तो हमेशा रहेगी साथ जिस ईमान की बुनियाद पर ये कसम मिला है कम से कम 3 दिन उस अल्लाह का शुक्रिया तो अदा करो बीवी तो है ही जहां ऐसा ईमान दोनों तरफ होता है तब पैगंबर कहते पैसा मत देखो शक्ल मत देखो सूरत मत देखो ईमान देखकर पैसा मत देखो चुनांचे उसूल काफी में रिवायत है इसी बराबर अल मोमिन वफ वल मोमिन मोमिन का जोर मोमिन है। आप लोग अक्सर निकाह में शिरकत क्यों नहीं की होगी? आप लोग खुतबा कोई भी पढ़ते आ रहे खुतबे बहुत से हैं लेकिन एक आयत हर मौलवी पढ़ता है निकाह के खुतबे में क्या बानकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम वइमामिकुम जहां तक कोई मैटर नहीं अगला इन यकूनू फवरा यग़निहुम अल्लाहु मिन फ़ज़लिह मत डरो कर दो शादी अगर फकीर हो अल्लाह अपने फजल से तो गुर्बत की बुनियाद पर शादी रोकना ये कुरान नहीं कहता बल्कि रिवायत है सूर काफी में मन तरकत तजवीज मखाफत अलिया फकद असा अल्लाह बन अगर कोई खर्चे के खौफ से शादी रोक दे तो उसने अल्लाह के यहां से बददुआ की बस और आखिरी बात ये इतनी ज्यादा ताकीद क्यों की गई है ये सूरत शक्ल अगर सूरत में करो बहुत खूबसूरत लड़की है यार पूरे भावनगर में ऐसी लड़की नहीं है साहब और शादी के 2 साल के बाद चेचक निकल आए जेड़ा नहीं गया एक आठ नहीं गई अब बोलो क्या कर लो तो ठीक है अच्छी चीज है सुंदर शक्ल रसूल भी असर पड़ता मगर वो मेन नहीं है मेन क्या है ईमान है मेन क्या है दीन है मेन क्या है तकवा है और अगर ये चीज देखी जाए जो इतनी ताकीद है का शादी सिर्फ एंजॉय के लिए नहीं है शादी सिर्फ वो आदमी की जिंसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं है शादी जरिया है नस्ल के इजाफे का अल्लाह के बंदों में इजाफे का तो फिर ऐसा तलाश होना चाहिए जहां मोमिन नस्ल आए और जब मोमिन नस्ल ला रहा है तो आपको पहले से उसका इंतजाम करना पड़ेगा मोमिन का जोड़ मोमिन है ताकि जो नतीजा निकले वो भी क्या हो एक आदमी है आपके सलामी बारह जिन्होंने मुलाकात की है जियारत की है इमाम से बल्कि यहां तक मिलता है कि ये जाते थे कब्र अमीरुल मोमिनीन पर सवाल करते थे कब्र से जवाब देते इतनी ऊंची शख्सियत ये इतना बड़ा मोमिन आदमी कैसे हो सुना है आपको सलवात नहीं सकती ये जिस आश्रम में रहते थे अकेले एक दूसरा स्टूडेंट आते और ये मजहब ये भी आपके साथ रहते कहा भैया मेरे साथ रहना है तो मेरी शर्तों पर तब बोलिए कमरे की बात बाहर नहीं जाएगी पहली शर्त यह है कमरे की बात
हमने क्या खाया, नहीं खाया, कई दिन से नहीं खाया, यही तक उन्होंने बाहर नहीं जाए। उन्होंने ठीक है कि शर्त पे रहने लगे। अब हालात कुछ इस तरह के हुए कि पैसा खत्म हो, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, नहीं हुआ। अब ऐसा हो गया कि शक्ल से कमजोरी जाहिर हो गई। आज हम लोग बड़े मजे थे जो बुजुर्गो ने जकाते उठाई है, उनकी गैत के बराबर नहीं है। देख लीजिए पलटे जो वो क्लास उलास कर गए तो पार्टनर ने दस्तरखान बिछा दिया बेहतरीन वीजा, ये कहां से वो फना साहब दे रहे। तो फना साहब को कैसे पता कि हम लोग खाते थे? आपसे ये तय था ना कि कमरे की बात बाहर बोलिए। ये कैसा है? कहने साहब मैंने नहीं बताया। उस आदमी ने कहा तो मैं गौर कर रहा हूं तुमको भी और तुम्हारे पार्टनर को भी, क्या चक्कर है? तुम्हारी शक्ल से लग रहा है तुम लोग खावा नहीं रहते। जब बहुत पसंद दे दी तो हमने बता दिया। तो साहब वो खाना भी दे गया, कुछ पैसे भी ले गया, खैर खाना खाया। उसके बाद जो पैसा दे गया था वो बंदा है मोमिन, 100 रुपए 200 रुपए वो दोनों ने आए आधा आधा बांट दिया। कुदरत का इम्तिहान से कर गया। अब रात जो आग खुली नमा के सबसे पहले पता चला वो शुरू आ चुका है। ठीक, हॉस्टल में नहाने का कोई इंतजाम नहीं है, अकड़ जाएगा आदमी। तो हम माम हुआ करते थे घर, वो आसान के वक्त खुलता था। मुकद्दस साहब पहुंच गए, खटखटाया, क्या है भैया खोल दो कार, अजान के वक्त आना। कभी नमाज सब वाजिब नहीं है ना, लेकिन ये आदमी लगा भैया डबल ले लो यार, अगर 5 रुपए है 10 रुपए है। कर दिया नमाज, अजान के वक्त खुलेगा, साहब 15 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 50 ले लीजिए। आखिर में जितना कल मिला था पूरा 50 रुपए सौ तो भैया आखिरी है, इसके बाद मेरी औकात है मैं आगे बढ़ा सकूं, इतना मेरे पास है ले सकते हो ले लो, वरना अल्लाह जानता। तो कैसा हो, कई दिन के फाके के बाद 10 रुपए मिले थे और उनके ऊपर वो वाजिब भी नहीं था। नमाज के वक्त तो भूल ही जाता है ना, गुस्ल करते वाजिब नमाज पढ़ लेते हैं, नमाज शब मुस्तहबी नमाज के लिए कल क्या खाएंगे नहीं सोच के पूरा पैसा देते। खुद फरमाते हैं कि पढ़ते तो रोज नमाज थे, लेकिन पता नहीं आज जो हमने कहा सुभान रब्बिल आला उसका मजा ही कुछ और। हमको शायद मुकद्दस पे बात नहीं करनी है, बात हमको ये करनी है मुकद्दस से तेरे मुकद्दस कैसे हो सलवात, हमको आगे चल अल्लाह अपने खेत में काम कर रहे थे सिंचाई का, कौन मुकद्दस ने मुकद्दस के वाले, इतने वो नालियों से पानी आ रहा था, देखा एक बहता हुआ सेब आ गया। नौजवान आदमी घर से कुछ शायद खा के नहीं आया कि भूख भी लगी तो पाया खा गए, खा गए तब एहसास हुआ कि बिना इजाजत लाख बहता तुमको क्या आपका खा के था। तो सुनो तो सामने वाला बाग उसी रूप में मिला, उसकी गाड़ी में है वहां पहुंच गए। बचा क्या आपके बाग से सेब टूट के चला गया था, हमने खा लिया, अब आप चाहिए तो सेब दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, माफ कर दीजिए। कहना छोड़ यार तू गया गया, जैसे ही चले तो एहसास हुआ कि लोगों का फंसा नहीं जाना, कहने के बाद मेरा अकेले तक हो गया, मेरे भाई भी इसमें पढ़ रहा, तो अगर एक सेब टूट गया तो मेरा आधे ही सब हुआ, तो मैं कुल माफ करने का हक मुझको कहां से? तो यार भैया सुनो, आधा मेरा हिस्सा है, आधा माफ और आधा आधा भाई का है, वो कहां है? तो वो मेरे प्रश्न करेंगे हाल में कल्ला भाई ने सीखे में जाऊंगा, खेती का काम ना खत्म हुआ, ये पहुंचे नजर खटखटाया निकले, कहिए कल साहब मैं
आपके गांव से आया, अच्छा अच्छा अच्छा, तब गांव का आदमी तो किसके बेटे का तो पहचान ही जाए, खैरियत बेटा कैसे ज्यारत के लिए आए हो, कसम ज्यारत जो है वो सेकेंडरी है, आए हैं तो ज्यारत ही करेंगे, मेन सफर की वजह आपसे नहीं कबूल कल साहब आपके बाद से सेब इस तरह टूट के गिर गया था, मैंने खा लिया, आपके भाई साहब से बात करूंगा भैया आधा मेरा था मैं माफ करता हूँ, आधा भैया का तो वही आया माफ कर दी, या जो कहिए। उन्होंने कहा अच्छा तो आप क्या समझते हैं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, यार कैसा मोमिन लड़का है, वहां से चला आया आधे सेब के चक्कर में, कोई आज बंबई जाएगा था 50 रुपया माफ करवा दो, खाया है तो झेलना तो पड़े, साहब जो कहिए मैं तैयार हूँ, आप कीमत कहिए पैसा कहिए जो कहिए, तो कीमत पैसा दे तो फिर मेरी लड़की से शादी कर दो, मैं ये आधा सेब माफ कर दो, कोई कह रहे इस तरह सबकी बेटी बेटी, ये डर गए यार, लगता है लड़की में कुछ तो गड़बड़ है, वरना बगैर समझे मुझे अचानक कह दिया साहब है मेरी लड़की से शादी करो, पता नहीं क्या चक्कर हो, मेरे ठीक है साहब कर लेते, कहा पहले समझ लो मेरी लड़की में आयब है, अगले दिन में कहने कह देता हूँ पहले ही समझ लो, क्या कहले मेरी लड़की अंधी है भूमि है, अच्छा भूमि है तो मेरी तो होगी अपाहिज है, बोलो तैयार हो, कौन तैयार हो सकता, लेकिन ईमान बोलता अपने दिल में कि ये 2 साल 4 साल 10 साल 50 साल बस मैं सारी जिंदगी से आखिर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस आदमी ने माफ नहीं किया वो आधा से कब्र में परेशान करेगा, हश्र में परेशान करेगा, कुछ समझ में आया, जहाँ तकवा होता है इश्क अहले बैत होता है वहाँ आधे सेब के लिए आदमी परेशान हो जाता है, और जहाँ तकवा नहीं होता पूरा बाग हाथ में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलावत मुहम्मद वाले अल्लाह 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 हम तैयार शादी हो गई, अब ये जो है वो अबूजर साहब ने मुकद्दस के वाले अब जो बीवी को देखा मालूम हुआ साहब पूरे वह भावनगर में इतनी खूबसूरत लड़की आज तक आई नहीं होगी, इसका बाप तो कुछ कह रहा है लड़की कुछ है, फिर सोचा कि लगता है टेस्ट ले रहे हैं जो मोनी साहब लड़की होगी इस तरह की, जब देखा मैं उस पर भी तैयार हूँ तो जो ठीक वाली थी उससे कर दिया, फिर उन्होंने पूछा भाई तुम कह रहे हो मैं अकेली हूँ, अकेली हो तो तुम्हारा बाप तो ये कह रहा था, मोदी साहब तो इस तरह कह रहे थे जनाब तो इस तरह कह रहे थे, कहा जनाब ने सही फरमाया आप नहीं समझे, तो क्या बन जब क्या कहा मेरे बाप ने अंधी है, कहा तो मैं अंधी हूँ ना महरम को नहीं देखा, अंधी हूँ ना महरम को नहीं देखा, क्या कहा पहली गूंगी हूँ कहा, कहा नदीबत करती हो नदीबत सुनती हो, अपाहिज हूँ खिलाफ शरीयत घर से कदम बाहर नहीं निकलती, अपाहिज जब मेरे बाप ने देखा मेरी लड़की इतनी मोमिना है तो परेशान हो कि ऐसी मोमिना लड़की के लिए रिश्ता कहाँ से ला, इनसे कहेंगे इनसे कहेंगे तो हर आदमी अपने हिसाब से तो बताएगा, लिहाजा बजाय किसी से कहने के मेरे वालिद मौला के पास पहुंच गए सही पकड़ के फरमाया मेरी बेटी इतनी मोमिना है मैं कहां से लाऊं ऐसा मोमिना का, आप इंतजाम कीजिए, मेरे बाप को यकीन हुआ कि तुमने सेब नहीं खाया है बल्कि मेरे बाप की दुआ कबूल हुई है कि उस बहाने से यहां तक पहुंचे, जब इतना दोनों में ईमान होगा तब जो नतीजा आता है मुकद्दस अर्दी अल्लाह
मसाहिब के फरमान में दुआ, दुनिया की बेटियां एक तरफ, दुनिया की औलाद एक तरफ, तो जनाब फातिमा की शादी में खाना क्या होगा था उस लोगों का, अगर वक्त रहेगा तो आज बहुत लंबा होगा। दुनिया की बेटियां एक तरफ, रसूलुल्लाह जितना अपनी बेटी को चाहते थे, न कायनात में कोई बाप अपनी बेटी को चाह सकता है, न कोई बेटी अपने बाप से अपनी मोहब्बत कर सकती है जितना रसूलुल्लाह को अपनी बेटी से और फातिमा को रसूलुल्लाह से। रिवायत यहाँ तक कहती है कि पैगंबर की वफात के बाद, मैंने कल दिन में अर्ज किया ना कि सहाबा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे रसूलुल्लाह की वफात को, सलमान 10 दिन तक घर से नहीं निकले, बिलाल मदीना छोड़ के चले गए पैगंबर की जुदाई के शाख की वजह से। ये तो बेटी है ना, रिवायत कहती है अपने बेटों को नहीं देख पाती, जब कभी हसन हुसैन पर नजर पड़ जाती थी तब के पूछती थी बेटा तुम्हारे नाना कहाँ है जो तुमको कांधे पर मौला मीरुल्मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन उससे फातिमा ने कहा, अली मुझे मेरे बाबा का वो पैराहन दिखला दो जिसमें तुमने मेरे बाप को हुस्न दिया। मैंने रसूलुल्लाह का पैराहन ला के सामने रखा, फातिमा जहरा ने बाबा का पैराहन देखा, चीख मारी काशा। मीरुल्मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के पैराहन को ऐसा छुपाया अगर जिंदगी में फातिमा की नजर उस पैराहन पर, जो इतना ज्यादा चाहती थी बाप को, जिसको बाप इतना ज्यादा चाहता था उसके साथ क्या हुआ, अल्लाह असलियत झूठ। कल बात कहां पहुंची थी जो उसने तलवार निकाली, इतनी जोर से शिकम मुबारक पर प्रहार किया कि बीबी की चीख निकल पड़ी, क्या फिर तो खुद ही नतीजा जानते हैं क्या हुआ, बीबी को बेहोश हो गया, बेहोश हुई उधर लोगों को मौका मिल गया, अमीरुल्मोमिनीन के गले में रस्सी का बंधा डाला गया, एक आदमी आगे से खींचता हुआ, दूसरा आदमी उससे खदेड़ता हुआ लेके आए मस्जिद में। अमीर सलामुल्लाह अलैह की गर्दन पे तलवार रख दी गई, मुट्ठियां बंद है मौला, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं खोल के हाथ छुड़ा करके शोर मचा दिया जाए, कोई बैत हो गई सरदर के तलवा मुंबई एयरपोर्ट बांट जाएंगे। ये मस्जिद का है, सर घर का हाल ये है कि थोड़ी देर के बाद जब बीबी को कष्ट से पाता हुआ तो अपना दर्द और अपना गम खोल देगा। पहला सवाल अरे कल निकाल है ना फातिमा की जात दुनिया की तमाम औरतों के लिए नमूने अमल है। बोली पहला सवाल अली का है, जैसे ही बताया गया अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। मशहूर तो यह है कि सर पे रेजा डाली घर से निकल कर, किसी किताब में मैंने पढ़ा कि चला नहीं जा रहा है, तो समझ में बात किया दो औरतें खानदान की बनी हाशिम की पकड़ा करके फातिमा को घर से बाहर लाई, बाहर निकले आवाज दी खल्लू इब्न अम्मी अली को छोड़ दो वरना सर के बाल खोल दो। बुजुर्ग सहाबी पैगंबर हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जैसे ही फातिमा ने यह जुमला कहा मस्जिद नबवी अपनी जगह से उठ गई। पांचवे इमाम इमाम बाकर सलामुल्लाह अलैहि की बस में वहां ऐसे ही से निकल आया, जैसे ही निकली बीबी ने फरमाया आदि को छोड़ दो वरना बाबा का कुर्ता सर पे रख लो। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खुदा की कसम
अगर हमारी दादी नबी का कुर्ता सर पे रख लेती यानी बद्दुआ कर देती, मदीने में एक आदमी जिंदा न बचता। उधर मैं आपको बता चुका कैफियत क्या, गर्दन में तलवार है, पैर पर उन्हें मार रहे हैं। जैसे ही बीबी सिद्दीका ताहिरा की आवाज अमीर मोमिनीन के कानों में पहुंची, मौला ने कहा सलमान जी दौड़ो जल्दी करो, फातिमा से कह दो घर चली जाए। हे सलमान, अगर जहरा ने बद्दुआ कर दी मदीने में एक आदमी जिंदा न बचेगा। मौला से क्या मतलब था, चुप रहते फातिमा को बद्दुआ करने देते। तारीफ क्या लिखती, नबी की उम्मत ने नबी की बेटी को इतना सताया, बेटी ने बद्दुआ कर दी मदीना तबाह। मौला से क्या मतलब था, अगर वाह मेरा मौला बाबा के सलमान दौड़ो जल्दी करो, अगर फातिमा ने बद्दुआ कर दी मदीने में कोई बचेगा नहीं। ये सलमान जाओ जहरा से कह दो घर चली जाए। ये वाकया दुनिया की सारी औरतों के लिए बीवियों के लिए नमूने अमल और इबरत है। सलमान कहते हैं मैं आया, मैंने कहा बीबी आप रहमतुल्लिल आलमीन की बेटी है, आप मजाक का सबब न बनिए। फरमाया सलमान मेरा भी मिजाज नहीं है, मैं भी नहीं चाहती मगर देख नहीं रहे ये लोग अली को मारना चाहते, अरे मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, अली का कत्ल कैसे बर्दाश्त कर लूं। सलमान कहते हैं बीबी तो मैं खुद से मना करने नहीं आया हूँ, फिर मुझसे अली ने कहा है, सदरा से कह दो अली ने कहा है। जी फरमाती मैं अली की इताअत गुजार जुमला कहा और वापस हो गए। दुनिया में कौन सी औरत है जिसका शौहर तलवार के नीचे हो और सिर्फ इस बुनियाद पर वापस चली जाए। खुदा खुदा हमारे घरों में वही चीज डाल दे, मर्दों में अली औरतों में फातिमा, जैसे जिन्होंने जिंदगी गुजारी है जिनकी सीरत पर चलने की हम सबको तौफीक इनायत फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।